और मैं पहले भी एक दो बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन याद दहाने के लिए बड़ी अहम बात है कि किसी उस्ताद ने एक तजर्बा किया, सुनिएगा भाई, बड़ी कमाल बात है। ये बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को कायम किया है। उसने तजर्बा फरमाया कि उसने अपने सारे तालिब इल्मों को इकट्ठा किया, तकरीबन 300-400 तालिब इल्म थे, और उसने तकरीबन 300-400-500 गुब्बारे लिए, गुब्बारे, और हर गुब्बारे में हर तालिब इल्म का नाम मौजूद है। तो उसने तालिब इल्मों को टाइम दिया कि आपके पास 2-3 मिनट हैं, जाओ अपना गुब्बारा तलाश करो जिसमें तुम्हारा नाम है। तो क्या लगता है भाई, उनको गुब्बारा मिलेगा? भाई क्या लगता है यार, बोलो तो सही यार, मिलेगा? मुश्किल है, हो सकता है तुक्का लग जाए। तो तुक्का तो लगा 3-4 का, लेकिन आखिर में तकरीबन 90% से ज्यादा बच्चों को अपना गुब्बारा, बोलो भाई अल्लाह हमें ऐसे उस्ताद नसीब फरमाए, क्या ख्याल है? ऐसे उस्ताद दे, देखिए सोच देखो उसकी। तो बच्चों को समझ नहीं आई है क्या पेड़ पा लिया इस बंदे ने, उनका उस्ताद ये समझ नहीं आई है क्या कर रहे हैं आप, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। उसने बच्चे सब्र करो, अभी तजर्बा खत्म नहीं हुआ। उसने अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम 1 मिनट से भी पहले पहले अपना गुब्बारा ढूंढ लोगे, अभी तो तुक्का लगा तुम्हारा और तुम्हें नामुमकिन लगता है कि मेरा गुब्बारा मुझे मेरे नाम का मिल जाए, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि 1 मिनट से पहले पहले तुम्हें तुम्हारा गुब्बारा मिल जाए तो क्या करोगे? कहने लगे इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। उसने कहा फिर सुनो, जाओ कमरे में दोबारा जाओ, जो भी गुब्बारा तुम्हारे हाथ में आए, जिसका भी नाम आए, वो नाम बोल देना। वो नाम क्या करना? बोल देना। तो जिसका होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और जिसका तुम्हारा गुब्बारा जिसके पास है वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास जो गुब्बारा है वो उसके पास चला जाएगा। और तकरीबन 20-30 सेकंड के अंदर अंदर सब बच्चों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। लेकिन बच्चों को अभी भी समझ, और हो सकता है आपको भी अभी समझ नहीं आया, अभी गेम क्या पड़ रही है। उसने कहा वो गुब्बारे वो आपकी खुशियाँ हैं, अपनी अपनी खुशी ढूंढने जाओगे भाई तकरीबन इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। लेकिन जो भी खुशी तुम्हारे हाथ लग जाए उसका ऐलान कर दो, उसको बांट दो दूसरे के साथ। तो इस तरीके से लाजमन है कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाए और दूसरों को उनकी खुशी मिल जाए, यही सबसे बेहतरीन तरीका है इस दुनिया में खुशी हासिल करने का। वगरना तुक्का तो लग सकता है, खुशी नहीं मिले। सुभानअल्लाह। अकेले जिंदगी गुजारना चाहते हो, सिर्फ अपने खानदान को सोच के गुजारना चाहते हो, सिर्फ अपने घर का सोच के गुजारना चाहते हो, तो 8-10-15% को तो मिल सकती है, लेकिन बाकी अक्सरियत जो है वो इन खुशियों से, इन चीजों से महरूम हो जाएगी।